तो आज की इस वीडियो में हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, कुछ स्पिरिचुअल बातें, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इन सब बातों में रुचि नहीं रखते हो, आपका इंटरेस्ट इन बातों में नहीं है, तो ये वीडियो आप अभी के अभी बंद कर सकते हो। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। 5th May 2023 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी दिन फुल मून है, साथ ही साथ इस दिन इक्लिप्स भी है, मतलब चंद्र ग्रहण है, और इसी दिन गौतम बुद्ध पूर्णिमा भी है, और इसी दिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 5-5 पोर्टल है वो ओपन हो रहा है। तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट एक ही दिन होने वाले हैं, तो इस दिन का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। And that's why it's a great opportunity to connect with ourselves, connect with cosmic energies and manifest our deepest dreams, desire and let go all the past energies, all the past emotions. So first and foremost, let's talk about the full moon. पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में रहते हैं, और चंद्रमा हमारे मन, मस्तिष्क और भावनाओं के कारक ग्रह है। In short, moon represents our mind and emotions. And that's why around the time of full moon, आप काफ़ी ज़्यादा sensitive feel करते हो, आप काफ़ी ज़्यादा emotional feel करते हो, मतलब आपके अंदर जो कुछ भावनाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाती है। So it's a good day to look after your emotions. हमारे अंदर जो भावनाएँ होती है, हम काफ़ी बार उनको बयां नहीं कर पाते, हम काफ़ी बार उन पर ध्यान ही नहीं देते, sometimes even we don't express it. And someday or the other, this thing affects us. और पूर्णिमा, full moon एक ऐसा time है जब ये सब इमोशंस काफ़ी ज़्यादा सरफेस लेवल पे आ जाते हैं। मतलब काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फुल मून काफ़ी ज़्यादा लोग इमोशनल फील करते हैं, काफ़ी गुस्सा होना, चिड़चिड़ होना, फ्रस्ट्रेशन होना, एंशियस फील करना, ये सब चीज़ें फुल मून के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अटैचमेंट। काफ़ी बार हम बहुत सारे गलत लोगों से, गलत चीज़ों से, गलत जगहों से, गलत आदतों से अटैच हो जाते हैं। इट्स अ सिंपली टॉक्सिक अटैचमेंट्स। And that's why it's a good day कि हम हमारे अंदर जाके जो कुछ हमारे अंदर भावनाएं हैं उन पर रिफ्लेक्ट करें, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं उनको देखें, चेक करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, और जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही है, मतलब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ इमोशंस लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, द अटैचमेंट विद द टॉक्सिक पीपल, थिंग्स एंड प्लेसेस, और सिंपली आपकी ख़राब आदतें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जिन आदतों से आपको इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है कि उसके चलते आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, और उन सब आदतों को, उन सब नेगेटिव पैटर्न्स को, थॉट्स को रिलीज करने के लिए फुल मून काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है। ये सारी गंदगी लाइफ से बाहर फेंकोगे तभी आप आपके लाइफ में ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिविटी, इन सब नई चीज़ों को लेके आ पाओगे। एंड इक्लिप्स आर डेस्टाइंड फॉर द फेटेड इवेंट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे भाग्य में, नसीब में लिखी है होना है, ऐसी चीज़ें इक्लिप्स ग्रहण के दौरान ही हो जाती है। इसलिए इट्स अ गुड टाइम टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, प्लस इट्स अ गुड टाइम टू रिलीज द कंट्रोल एंड फ्लो विद द एनर्जीज। मतलब हम चीज़ों को काफ़ी बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट बहुत से टाइम चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, एंड दैट्स वाई हम जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतनी ही वो चीज़ें हमसे दूर चली जाती है। इसीलिए जस्ट लेट गो द कंट्रोल ओवर द थिंग्स एंड सिचुएशंस, जस्ट फ्लो विद द एनर्जीज, बी इन द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, एंड बिलीव इन गॉड, बिलीव इन द प्रोसेस, लेट गो ऑल द पास्ट, जस्ट रिमेंबर the lessons from the past. मतलब जो पास्ट में हुआ है उसे जाने दो, उनसे क्या सीख मिली है वो लेसन याद रखो, और पास्ट को पूरी तरह से जाने दो, तभी आप नई चीज़ों को ला पाओगे, और जो आपने पास्ट से सीखा है वो एक्सपीरियंस को आप यूज़ कर पाओगे। और रही बात गौतम बुद्ध पूर्णिमा की, हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध जी ने आध्यात्मिक स्तर पर काफ़ी ऊंचा ज्ञान प्राप्त किया है, और वो साक्षात शांति, सत्य, मानवता के प्रतीक है, और उन्होंने काफ़ी हद तक इस पृथ्वी पे इंसानों को शांति, सत्य और मानवता के पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया है। सो इट्स अ गुड डे टू कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ गौतम बुद्धास। मतलब हम काफ़ी बार द्वेष की भावनाएं पालते हैं, उसी के चलते बहुत बार हम झगड़ों में, हिंसा में फंस जाते हैं, तो सबसे पहले लोगों को माफ़ करना सीखिए, जस्ट जितने भी हमारे अंदर निगेटिव
इमोशंस है वो लेट गो कीजिए, ब्रीथ वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो एनर्जीज है उनको अपने अंदर हार्नेस कीजिए। मेडिटेशन करो, ब्रीथ वर्क करो, और अपने अंदर खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो। और जितना हम खुद से जुड़ेंगे उतना ही हम खुद को अच्छे से समझ पाएंगे, और एक बार हमें आत्मज्ञान हो गया तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। और खुद को समझ के खुद को हील करना, ये सब चीज़ें इस टाइम के दौरान काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जो नंबर 5 है, मतलब 5 नंबर, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो 5 नंबर एसोसिएट विद द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह है, जो हमारे बुद्धि के, कला के कारक है, और जिनको गणेश जी से भी एसोसिएट किया जाता है। हर महीने में एक एनर्जी पोर्टल ओपन होता है, 5वें महीने की 5वीं तारीख, और इस दिन 5-5 पोर्टल ओपन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, 5-5 पोर्टल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ। इसी के साथ ग्रहण भी है, गौतम बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो इस दिन का सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये सब एनर्जी है वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल है, जो लोग भी क्रिएटिव सेक्टर में है, जो लोग अपने ज़िंदगी में एक बदलाव ले आना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ही देखो, मैं इन सब चीज़ों में काफ़ी दिनों से बिलीव करता हूँ, बट अभी तक मैंने इस सब चीज़ों के बारे में कभी भी वीडियो नहीं बनाया था, बट फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये सब एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मतलब ये भी मेरे लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन जैसी ही चीज़ है। मेरे अंदर ये था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं अटैचमेंट है लोगों के ओपिनियन से। मतलब अगर लोगों के ओपिनियन को ही मैं देखूंगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई आई हैव टू कट ऑल दिस नेगेटिविटी टू grow and share such wonderful information with you all. So it's time to take the leap of faith towards your goals, your ambitions, and just work on it and manifest all those into this reality. Overall, embrace the energy, transformation and progress. तो अब हमने बातें तो बहुत कर ली कि क्या significance है, full moon है, eclipse है, let go करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन क्या वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो टू एनहांस दिस प्रोसेस? सो सबसे पहली चीज़, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। द फर्स्ट स्टेप इन रिलीजिंग एंगर एंड ग्रजेस इज टू एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। अलाउ योर सेल्फ टू फील योर इमोशंस फुल्ली विदाउट जजमेंट और रेजिस्टेंस। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बट दिस टाइम सही या गलत से भी ऊपर जो आप फील कर रहे हो वो प्रॉपर फील करो। जब आप वो प्रॉपरली फील कर पाओगे तभी आप वो इमोशन को समझ पाओगे, उसके पीछे जो कारण है उसे समझ पाओगे, और उस इमोशन को प्रॉपरली आप रिलीज़ कर पाओगे। और अब रही बात रिलीज़ की, तो मुझे पता है बहुत से लोग हैं जो प्रॉपर मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो रेगुलरली मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, तो उनके लिए सिंपल टिप है, जो कुछ भी फील कर रहे हो वो लिख लो। उसमें कुछ भी सही नहीं है, गलत नहीं है, जो आप फील कर रहे हो, जैसे आप फील कर रहे हो वो लिख दो। अगर आपके मन में गाली भी आ रही है वो लिखते समय, तो वो लिख लो, देन जस्ट वो पेपर फाड़ दो, उसे रोल करो और जला दो, और वो जला के टॉयलेट में फेंक दो। करके देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करोगे, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने ये किया तो, और कैसे लग रहा है आपको। और नंबर 2, जब आपने अब ये सब रिलीज़ कर ही दिया है इमोशन, जो कुछ भी चीज़ें थी, तो जस्ट सेट एन इंटेंशन। मतलब आप के जो कुछ भी गोल्स है उस पर आप कैसे वर्क करना चाहते हो, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें एक पेपर पे लिख लो, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है। और नंबर 3, ये सब चीज़ें करने से पहले अगर हो सके तो प्रॉपर मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करना इतना इजी नहीं रहता है, दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द डीप ब्रीथ वर्क। अब डीप ब्रीथ वर्क कैसे करोगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मुश्किल सवाल है। सिंपल टेक्निक बताता हूँ, जस्ट किसी भी घर के शांत कोने में बैठो, आँख बंद करो और डीप ब्रीथ लो, और पैटर्न रखो 4-4, 4 तक गिनो, तब तक सांस लो, और 4 तक गिनने पर सांस छोड़ दो। मतलब देखो, मतलब
मतलब आपको चार तक गिनते गिनते सांस लेनी है और चार तक गिनते गिनते ही सांस छोड़नी है। इसी को डीप ब्रीद वर्क कहते हैं। मतलब ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। जितना आप डीप ब्रीदिंग करोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी जो एनर्जीज है उनको सेंस कर पाएगी, जो आपके अंदर चल रहा है उस पर आप फोकस कर पाओगे, और ये सब चीज़ें हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। सो डीप ब्रीदिंग इज़ मस्ट। और रही बात, काफ़ी बार हम रेस्ट नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग आजकल हसल कल्चर चल रहा है जिसमें लोग रेस्ट नहीं करते, मतलब आराम करना हराम माना गया है। लोगों का ये है कि 2400 घंटे काम करो, बट इट्स अ जेंटल रिमाइंडर टू एवरीवन दैट योर बॉडी इज योर टेम्पल एंड योर सोल इज प्रीशियस। मतलब हो सके तो रेस्ट करो, रेस्ट करना भी एक हीलिंग प्रोसेस है। आजकल की भाग दौड़ के ज़माने में हम प्रॉपरली सो भी नहीं पाते, दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें हमें अफेक्ट कर देती है। और इसी के लिए प्रॉपर रेस्ट रहो, हो सके तो रिलैक्स करो, रेस्ट करो, डीप ब्रीथ वर्क करो, जर्नलिंग करो, जो कुछ भी आप फील कर रहे हो वो प्रॉपरली लिख लो, उसमें से जो निगेटिव है वो जला दो, जो पॉजिटिव है वो रखो, और सेट एन इंटेंशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विद दैट सेड गाइज, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग था, काफ़ी ज़्यादा हटके था, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक से हटके था। मतलब मैंने कभी भी ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें शेयर नहीं करी है मेरे चैनल पे, बट दिस टाइम मैंने पहली बार ये सब चीज़ें शेयर करी है। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं, और इसमें से क्या क्या चीज़ें आप ट्राई करोगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And see you in next one.